बिल्डिंग आप देख सकते हैं, एक दूसरी बिल्डिंग ये है। तो दो बिल्डिंग तो मैंने आपको दिखवा दी है, इसके अलावा और भी आगे हैं तो वो वहाँ भी लेके चलते हैं। तीसरी बिल्डिंग है, इसके अलावा एक आगे भी है। तो चौथी बिल्डिंग है वो ये है। अच्छा, मोस्टली की दो विंग है बॉयज़ की और गर्ल्स की। यहाँ जो हम बैठे हैं अक्सा मस्जिद के सामने, ये इसके जस्ट पास में गर्ल्स की तीन विंग है। तो अभी मैं खड़ा हूँ कायम बॉयज हॉस्टल की जो छावल बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के ऊपर, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इस बिल्डिंग से कौन सी कोचिंग कितनी दूर है। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सीकर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है PCB। इसके अलावा ये यहाँ पर एक इन्फिनाइट है, और इसके अलावा इम्पल्स है, और बाकी जो आयाम है और CLC है, इन सभी के पीछे एक अपना हॉस्टल है, कायम बॉयज़ हॉस्टल एंड कायम गर्ल्स हॉस्टल। तो आज हम उस कायम बॉयज़ हॉस्टल में चलेंगे, और आपको उस हॉस्टल की पूरी लोकेशन भी मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर यहाँ से जाना होता है। तो अभी हम PCP के सामने खड़े हैं, और PCP से वो उसकी हॉस्टल की क्या लोकेशन है उस लोकेशन पे हम चलते हैं, और आप भी मेरे साथ बने रहिए। ये PCP है, और PCP के आगे हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप लोकेशन देखते रहिए। तो यहाँ पर ये संजय रेस्टोरेंट है, ये संजय रेस्टोरेंट की जो गली है इसी गली में कायम बॉयज़ और कायम गर्ल्स हॉस्टल है। तो आज मैं आपको पूरे दिखाने वाला हूँ, जितने भी बिल्डिंग हैं सारी बिल्डिंग है, आपको एक एक बिल्डिंग का विजिट करके सारे दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। एक ये कायम बॉयज़ हॉस्टल का जो एक यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और ये यहाँ पर आप ये जो आगे जो देख पा रहे हैं ये है अक्सा मस्जिद, और अक्सा मस्जिद के जस्ट पास इस कायम बॉयज एंड कायम गर्ल्स हॉस्टल की जो ऑफिस है, तो वो ऑफिस भी आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो कायम गर्ल्स हॉस्टल की जो बिल्डिंग है जितनी भी, और कायम बॉयज़ हॉस्टल की वो सारी बिल्डिंग है आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं कायम हॉस्टल, ये ऑफिस है कायम हॉस्टल की। तो कायम बॉयज़ एंड कायम गर्ल्स हॉस्टल दोनों इसी ऑफिस के द्वारा संचालित होते हैं। तो जो बिल्डिंग है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप फर्स्ट में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है कायम गर्ल्स हॉस्टल की, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कायम गर्ल्स हॉस्टल की। इसके अलावा एक और बिल्डिंग है, तो वो भी वहाँ भी लेके चलते हैं। एक दूसरी बिल्डिंग ये है। तो दो बिल्डिंग तो मैंने आपको दिखवा दी है, इसके अलावा और भी आगे हैं तो वहाँ भी लेके चलता हूँ आपको। ये है अक्सा मस्जिद, और इसी अक्सा मस्जिद के नज़दीक में ये बिल्डिंगें हैं दोनों नज़दीक में, और ये है अक्सा मस्जिद, और ये सामने वाली जो गली है अक्सा मस्जिद के जस्ट सामने वाली गली में एक बिल्डिंग और है, ये आप देख सकते हैं, ये तीसरी बिल्डिंग है। और इसके अलावा एक आगे भी है, उसमें भी कायम गर्ल्स हॉस्टल ही संचालित है। तो इस गली में दो बिल्डिंग हैं, एक तो ये हो गई, और इसके अलावा एक ये है आप देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ नज़दीक नज़दीक में ये चार बिल्डिंग हैं, आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चियों के लिए जो जितनी भी सुविधाएँ हैं वो आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी, और रूम बहुत ही शानदार हैं। अगर आपको रूम वगैरह देखने हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अभी बच्चियां सो रही हैं कुछ ही, या कुछ पढ़ाई कर रही हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। और आगे के जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभी कायम बॉयज़ हॉस्टल की ऑफिस है, ये खुल चुकी है, और रफ़ीक खां कासली इसके अंदर हैं। तो हम रफ़ीक खां कासली से मिलेंगे और इस हॉस्टल के बारे में जानेंगे, जितनी भी इनकी फैसिलिटी है वो क्या फैसिलिटी वगैरह इन्होंने हमें यहाँ पर दे रखी है। हाँ रफ़ीक खां, क्या हालचाल है? बढ़िया। तो आपने ये कायम बॉयज़ हॉस्टल चला रखा है, कायम बॉयज़ एंड कायम गर्ल्स हॉस्टल, और काफ़ी एक दो साल से आपने लगातार सीकर में, तो आपने ये सुविधा दे रखी है यहाँ पर, तो इसमें बच्चों को जो किस तरह की फैसिलिटी आपने यहाँ पर दे रखी है, इसके अलावा जो खाने का मेनू क्या है,
और यहाँ पर रहने के लिए रूम वगैरह कैसे हैं, या बच्चों की जो मॉनिटरिंग है वो कैसे करते हो, जो गर्ल्स भी हैं क्योंकि आपके पास, तो गर्ल्स की मॉनिटरिंग वर्क कैसे करते हो, तो इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल से बताने की कृपा करें। कायम हॉस्टल को लगभग चालू किए हुए है 15 महीने अब तक हो चुके हैं। अच्छा। कायम हॉस्टल की दो विंग है, बॉयज़ की और गर्ल्स की। यहाँ जो हम बैठे हैं अक्सा मस्जिद के सामने, ये इसके जस्ट पास में गर्ल्स की तीन विंग है। तीन बिल्डिंग में अलग अलग बच्चियाँ रहती है। तीनों में लेडीज़ वार्डन है, खाना बनाने के लिए लेडीज़ है, साफ़ सफाई के लिए लेडीज़ है, और ये ऑफिस है और पूरी मॉनिटरिंग होती है। और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों के एजुकेशन का, और कितनी बजे कोचिंग से छुट्टी होती है, कितनी बजे वापस पहुंचती है, घर आने जाने के लिए, बस स्टैंड तक छुटवाने के लिए, वापस लाने के लिए अगर गार्जियन नहीं आते हैं तो उनकी पूरी देख रेख मॉनिटरिंग मतलब मैनेजमेंट के द्वारा होती है। और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीकर ज़िले में जो शिक्षा नगरी है उसमें हज़ारों की तादाद में हॉस्टल्स हैं, लेकिन जो रीट का रिजल्ट आएगा उसमें कायम हॉस्टल की जितनी सिलेक्शन होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सीकर में किसी भी हॉस्टल के इतने सिलेक्शन नहीं होंगे जितनी हमारी बहन बेटियों के सिलेक्शन रीट में होने वाले हैं। बाकी नीट की एग्ज़ाम अभी 7 मई को है, उसमें भी हमें बहुत शानदार रिजल्ट की उम्मीद है। और इसके 200 मीटर उस दूसरी साइड के अंदर बॉयज़ का चलता है, जिसके अंदर अपने नीट, जेई और कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की, रीट के भी काफ़ी स्टूडेंट थे, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। और दोनों का अलग अलग पोर्शन है, दोनों में खाने की फैसिलिटी बहुत शानदार है। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा अभी वो आप सबके लोगों के सामने होगा। आपने इससे पहले भी एक बार विजिट करी थी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन गार्जियंस को ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षा नगरी सीकर में अपने किसी बच्चे, रिश्तेदार या जानकार को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एक बार कायम हॉस्टल में विजिट ज़रूर करें। आप कहाँ रहें, कहाँ रखना है बच्चे को, क्या रखना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम आपसे ये अपील करते हैं कि एक बार आप बच्ची हो चाहे ऐसे बच्चा हो, आप एक बार कायम हॉस्टल को विजिट करें, फिर आप दूसरे हॉस्टल्स को विजिट करें, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी और आप दोबारा आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रफ़ीक खां कासली जो इस हॉस्टल के संचालक हैं। इन्होंने आपको लगभग बातें बताई हैं। इसके अलावा मैं खुद यहाँ पर 1 महीने रह के गया था, तो यहाँ की जो सुविधा है वैसी सुविधा आपको सीकर ज़िले में कहीं पर नहीं मिलेगी। और इसके अलावा रूम वगैरह हैं वो आप लास्ट वीडियो में मैंने दिखाए थे, इतने शानदार और बेहतरीन रूम आपको सीकर ज़िले में कहीं पर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो मैंने गर्ल्स हॉस्टल का जो PCP से लेके और गर्ल्स हॉस्टल ये अक्सा मस्जिद का आपको जो लोकेशन है मैंने पूरा दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ से जो अक्सा मस्जिद है, अक्सा मस्जिद से जो कायम बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ की जो बिल्डिंग है 3-4 बिल्डिंग नज़दीक में है, तो वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। और वो बिल्डिंगें देखने के बाद में इस वीडियो का हम एंड करते हैं। ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप, ये भी अभी कायम बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग होगी। और ये आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग तो शुरू से यहाँ पर चालू है कायम बॉयज़ हॉस्टल की। तो यहाँ पर लगभग इनके पास 4 या 5 बिल्डिंग है, तो एक जो बिल्डिंग तो वो हो गई, दूसरी ये है। और इसके अलावा एक बिल्डिंग और दिखाता हूँ आपको मैं, एक ये देख सकते हैं छावल बॉयज़ हॉस्टल, तो ये भी कायम बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है। और इसमें जो लाइब्रेरी भी है बेसमेंट में, तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी। तो ये है छावल बॉयज़ हॉस्टल। और तो ये तो कॉमन लेट बाथ हो गए हैं आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हर रूम में अटैच लेट बाथ भी हैं। तो इसमें नीचे यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो है, लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, नीचे लाइब्रेरी है। तो ऊपर चलते हैं और एक रूम की विजिट कर लेते हैं। ये यहाँ पर RO लगा हुआ है और लगभग जितनी भी बिल्डिंगें हैं सारी बिल्डिंगों में आपको RO मिलेगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ कायम बॉयज़ हॉस्टल की जो छावल बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के ऊपर, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इस बिल्डिंग से कौन सी कोचिंग कितनी दूर है। ये आप देख पा रहे हैं CLC है, और इसके अलावा ये PCP आप देख पा रहे हैं, और ये आयाम है। और इसके अलावा ये, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अनएकेडमी, और वो DS कोचिंग सेंटर। तो लगभग जितनी भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर हैं जो इनफिनाइट है वो मैंने आपको पीछे दिखाई थी। और इसके अलावा जो गुरु कृपा है वो आप जानते ही हैं, जो PCP है उससे बराबर में है। और इसके अलावा एक मैट्रिक्स भी यहीं पे है। इसके अलावा जो LN है, LN यहाँ से 500 मीटर आगे है लगभग। तो लगभग जितनी भी जो कोचिंग सेंटर है वो सारी यहाँ पर नज़दीक में है। तो हॉस्टल आप देख पा रहे हैं ये। इसके अलावा जो कायम 2 की जो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये कायम 2 की है। और इसके अलावा एक जो नई बिल्डिंग ली है वो ये है,
ये जो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, कायम बॉयज़ एंड कायम गर्ल्स हॉस्टल की जितनी भी बिल्डिंगें थी सारी मैंने आपको दिखा दी है। तो अगर आपको अपने बच्चे और बच्चियों को इस हॉस्टल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल हॉस्टल की डाल दूंगा, इसके अलावा जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सारे कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, स्क्रीन पर भी मैं लगा रहा हूँ, तो आप उन पर कॉन्टैक्ट करके और डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी पुराना जो ब्लॉग है हॉस्टल का, उसको मैं आई बटन में लगा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।